हाय एवरीवन वेलकम बैक तो आज का टॉपिक है रेजोनेंस इस लेक्चर में हम रेजोनेंस करेंगे फिर उसके बाद हम रेजोनेंस इफ़ेक्ट को समझेंगे तो अभी जो सीरीज चल रही है उसमें हम कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कर रहे हैं जो कि चार होते हैं दो हम कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट अब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है लेकिन उसके लिए पहले आपको रेजोनेंस क्या फिनोमिन होता है वो आपको समझना ज़रूरी है तो ये चल रहा है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम कर रहे हैं रेजोनेंस ठीक है देखो रेजोनेंस क्या होता है वैसे तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है अब ये क्यों जरूरी हुआ क्योंकि जैसे कई ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वेरियस प्रॉपर्टीज है वो एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी इसीलिए वहां पर नीड थी कि दो और दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की और उन स्ट्रक्चर्स को कहा गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर कहते हैं कनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कई बार कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक से ज़्यादा लुई स्ट्रक्चर या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो है और वो प्रॉपर्टीज़ को वो कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनको कहते हैं उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है कि वो रेजोनेंस एग्जिबिट करता है ठीक है अब ये ही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है उसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेंजीन का ठीक है तो हम यहाँ पर बेंजीन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेंज़ीन क्या होती है बेंजीन इस तरह की सिक्स मेंबर रिंग होती है अनसेचूरेटेड इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड्स लगे होते हैं अभी आप बॉन्ड की पोजीशन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये नंबरिंग कर देते हम कार्बन्स की ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बेंजीन है ओके okay? लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसको देखा जाए जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है अगर ये स्ट्रक्चर होता है ये ही फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रहता तो क्या एक्सपेक्टेड था एक्सपेक्टेड ये था कि जो कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज़ जो एक्चुअल होती है दैट इज़ वन फिफ्टी फ़ोर पिकोमीटर फॉर सिंगल बॉन्ड ठीक है फॉर डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है वन थर्टी फोर पिकोमीटर ठीक है जो नॉर्मल सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया इन इन बेंजीन 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 एक्सपेरिमेंटल डेटा से यह देखा गया कि ऑल द बॉन्ड्स ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर सेम ठीक है जितने भी बेंजीन में आपको कार्बन कार्बन दिख रहे हैं चाहे वो सिंगल है चाहे वो डबली बॉन्डेड है सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम देखी गई और ये जो बॉन्ड लेंथ थी उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी आई दैट वॉज वन थर्टी नाइन पिकोमीटर ठीक है तो ये क्या देखा गया ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो बेंजीन है उसमें दो तरह की लेंथ आ ही नहीं रही है उसमें ओनली वन काइंड ऑफ बॉन्ड लेंथ आ रही है जो कि क्या है वन थर्टी नाइन पिकोमीटर अगर आप इस स्केल में देखोगे दैट इज़ इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड की बॉन लेंथ एंड डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ठीक है तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई कि जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा तो ये एक लुईस स्ट्रक्चर है ये एक स्ट्रक्चर है ठीक है जिससे कुछ एक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती है लेकिन ये तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा कि वाई ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम और उनकी वैल्यू कितनी है दोनों की एवरेज आ रही है क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो एक्सपेक्टेड ये चीज़ थी कि यहाँ पर ये वाली लेंथ भी आनी चाहिए थी सिंगल बॉन्ड की वन पिकोमीटर वैल्यू भी आनी चाहिए थी और डबल बॉन्ड की वन थर्टी फोर पिकोमीटर वैल्यू भी आनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ वन थर्टी नाइन वैल्यू आ रही है सिंगल वैल्यू आ रही है सभी बॉन्ड्स के लिए अब क्या होता है एक तो हम बेंजीन को इस तरह से बना सकते हैं या फिर बेंजीन का दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो सकता है अब देखो ध्यान से देखना ये वन टू के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है ना अब क्या कर सकते हैं ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ये आगे शिफ्ट हो गया ये फिर से आगे शिफ्ट हो गया तो जो बॉन्ड्स है वो इस तरह से हम बना सकते हैं अब देखो दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है अगर हम नंबरिंग कुछ इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ कहाँ आ रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन अगर आप देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है उसी तरह से आगे सेकेंड थर्ड में देखोगे यहाँ पर डबल है यहाँ पर सिंगल है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों का फर्क यहाँ पर पड़ रहा है तो ये दोनों एक्चुअली क्या होते हैं बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ना ये है ना ये है ठीक है आई रिपीट बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ना ही ये है ना ही ये है अब इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट स्ट्रक्चर इसे मान लेते हैं सेकंड स्ट्रक्चर तो ये है क्या ये दोनों एक्चुअली क्या है ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ठीक है या फिर हम कह सकते हैं ये है कनॉनिकल स्ट्रक्चर्स तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रेजोनेंस शो करते हैं उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है हाइब्रिड मतलब उसका मिला जुला करके उसका जो दोनों स्ट्रक्चर्स है उनका दोनों का कंट्रीब्यूशन करके एक फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जैसे यहाँ पर जो बेंजीन है उसका हम हाइब्रिड हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर देखें हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा दोनों का वन एंड टू का दोनों का कंट्रीब्यूशन से एक फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास मिलेगा इस तरह से ठीक है अब क्या होगा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसे आप कैसे बना सकते हो क्योंकि उसमें दोनों फर्स्ट एंड सेकंड की कंट्रीब्यूशन है तो उसे ऐसे बना सकते हैं अभी फर्स्ट एंड सेकंड में भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है फिर सेकंड और थर्ड में भी डबल बॉन्ड करैक्टर है दैट मीन्स सभी कार्बन्स में डबल बॉन्ड करेक्टर है क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो दोनों हैं दोनों लेके आपको फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है तो एक्चुअली इस तरह से बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है या फिर आप कह सकते हो इस तरह से बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है और जो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं ना वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगा जो कि ये है दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर सो यहाँ पर लिखा है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और जो रेजोनेंस या कनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं हाँ एक चीज और आपको ध्यान देने वाली है यहाँ पर जो आपके रेजोनेंस या कनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ये दोनों हैं ये दोनों इमेजनरी है इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है ठीक है हमने यहाँ पर पेपर पे बना दिया है अभी लेकिन ये इमेजनरी है कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते ये सिर्फ एक हाइपोथीसिस है कि इस तरह से ये मूवमेंट होता है लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स का क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूट करके ये बना है अब ये जो रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का है वो इन दोनों मिल करके बना है ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है फिलहाल इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो इक्वल है और 139 पिकोमीटर क्यों है क्योंकि अब देखो यहां पर क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर भी है इसीलिए जो बॉन्ड वो सिंगल और डबल के बीच में है क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर रेजोनेंस हो रही है ठीक है ये चीज आपको समझ आ गई अब देखो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला हैंस एक्चुअल स्ट्रक्चर एक्चुअल एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड ऑफ इकोनॉनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है तो फर्स्ट एंड सेकेंड को मिलाकर उसका हाइब्रिड आता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ठीक है तो एक बार हम डेफिनेशन रीड आउट कर देते हैं अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जा जाएगा व्हेन

अब देखो अब आते हैं रेजोनेंस एनर्जी पे या फिर इसे कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखो जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी ना उतनी ही जो आपका मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा ऐसे क्यों होता है क्योंकि एक्चुअली रेजोनेंस में हो क्या रहा है रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए ये यह इधर गए ये इधर गए तो दूसरा स्ट्रक्चर बना तो जो रेजोनेंस है उसमें क्या होता है आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आगे आप देखोगे लोन पेयर्स भी होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जितनी ज़्यादा आपकी रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा अब ये होती क्या है ये डिफरेंस होता है एनर्जी का रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी का डिफरेंस और किसका डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और कनोनिकल स्ट्रक्चर में से भी जो मोस्ट स्टेबल होगा जैसे कि ये दोनों कनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों में से वैसे कि नियरली स्टेबल है नियरली ये दोनों ही क्या है सेम स्टेबिलिटी के हैं तो फिर भी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा उसकी एनर्जी को माइनस करेगी तो हमारी रेजोनेंस एनर्जी आती है तो ये डिफरेंस इन द एनर्जी होता है रेजोनेंस हाइब्रिड का एंड मोस्ट स्टेबल कनोनिकल स्ट्रक्चर का अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है देन एनी ऑफ द कनोनिकल स्ट्रक्चर एनी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कनोनिकल स्ट्रक्चर ठीक है तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है तभी वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और जो चीजें स्टेबल होती है उनकी एनर्जी क्या होती है उनकी एनर्जी कम होती है अपनी ठीक है और एक और चीज़ हम करते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी है रेजोनेंस एनर्जी है रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ठीक है जितने ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होगे जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगे या फिर हम कह सकते हैं इकनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी क्योंकि जितने ज़्यादा आपके इकनॉनिकल स्ट्रक्चर्स होगे उतनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगी और जितनी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रेजोनेंस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अब देखो रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कुछ एक रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है मतलब जो एटम्स की पोजीशन है वो सेम रहेगी ठीक है तो यहाँ पर पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई लिख लेते हैं न्यूक्लियाई वो क्या रहेगी वो सेम रहेगी पोजिशन ऑफ एटम सेम रहेगी जैसे कि हमने बेंजीन में भी देखा और नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम रहेगी सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ठीक है सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पोजीशंस जैसे कि पीछे था पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन जो पोजीशन है न्यूक्लियाई की या फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों सेम रहते हैं सेकेंड पॉइंट आता है ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शुड हैव नियरली सेम एनर्जी ठीक है तो नियरली सेम एनर्जी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं देखो बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं पर ज़रूरी नहीं सारे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट करें मेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए तो कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वो देते हैं अपना पार्ट देते हैं उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कि स्टेबल होते हैं तो स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं जिसमें लेस चार्ज सेपरेशन हो लेस चार्ज सेपरेशन जिसमें होता है सेपरेशन जिसमें होता है वो स्टेबल होते हैं और दूसरी बात जिसमें मोर डिस्पर्जल ऑफ मोर डिस्पर्जन डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो ठीक है ऑफ चार्ज अभी डिस्पर्जन ऑफ चार्ज क्या होता है चार्ज का कम होना मान लो कि किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है किसी रीज़न की वजह से वो नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है कम हो रहा है उसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अगर डिस्पर्जन ऑफ चार्ज कहीं हो रहा है तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर है और कहीं पर लेस चार्ज सेपरेशन है मतलब कहीं पर आपका जो चार्ज है वो बना ही नहीं है जो आपका मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल स्टेट में है तब भी अच्छी बात है वो स्टेबल है या फिर अगर चार्ज सेपरेशन है तो वो कम होना चाहिए ठीक है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्टेबल होते हैं अब लास्ट पॉइंट देख लो ऐसे रेजोने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो कि वॉयलेट करते हैं ऑक्टेड रूल को वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे अब इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल ठीक है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स का हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर तो दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर क्या करेगी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंस यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसके टुवर्ड्स ये मूव करेगी इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू सी एच टू पर पॉजिटिव आएगा डेफिशेंसी हो रही है सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पर सी एच हो गया और यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड एन एच थ्री ठीक है ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर अब इसमें से आपको लग रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर दोनों हैं लेकिन जो ये सेकेंड वाला है इसको हम नहीं कंसीडर करते नॉट कंसीडर्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर ये कह सकते हैं ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अब ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्टेट रूल क्या कर रहा है फॉलो नहीं कर रहा है वो वॉलेट कर रहा है ऑक्टेट रूल को ठीक है कैसे है क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है वैसे थ्री बॉन्ड्स बनाता है न्यूट्रल स्टेट में और यहाँ पर देखो वन टू थ्री बॉन्ड्स यहाँ पर बनाए मतलब उसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो गए सेवन एट नाइन टेन अभी नाइट्रोजन के पास यहाँ पर टेन इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो ये ऑक्टेट को क्या हो गया एक्सीड कर दिया इसने एट होने चाहिए थे क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ये एक्वायर कर सकता है वो एट इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर एक्वायर कर सकता है क्योंकि इसमें नो डी ऑर्बिटल वेकेंट डी ऑर्बिटल इनमें प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ये किसका है सेकेंड पीरियड का है थर्ड पीरियड से आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल आने शुरू हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्सेप्ट कहाँ करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इस वजह से जो ये वाला स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है ये वॉयलेट कर रहा है ऑक्टेट रूल को तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ये कुछ एक रूल्स थे आपके ठीक है आप अब देखो अब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि किस तरह से किस तरह से हम देखते हैं देखो अब क्या होता है मान लेते हैं ये एक एटम है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है ना वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप की एक टाइप ये होता है कि जो पाए बॉन्ड है वो बिल्कुल अपने आगे वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाए इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो किस तरह से लिखेगी यहाँ पर वाए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट पाए इलेक्ट्रॉन्स की कई बार ऐसे भी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन अगले एटम पे सीधे चले जाए ठीक है तो ये वाई पे यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा इस तरह से बन जाएगा या फिर ये हो सकता है कि एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए तो इस तरह से डबल बॉन्ड बन सकते हैं तो ये डिफरेंट वेज है इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने की वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है इस तरह की डिस्प्लेसमेंट्स पाए इलेक्ट्रॉन की या फिर लोन पेयर की पॉसिबल है ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ना यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके तो कैसे बनाओगे पहले हम इसका बेसिक सा लेआउट बना देते हैं यहाँ पर देखो ये हो गया आपका कार्बन एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर ठीक है दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव कुछ इस तरह से नेगेटिव और नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं ठीक है कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी अब देखो दो बॉन्ड अगर ऑक्सीजन बनाता है तो उस पर क्या होते हैं दो लोन पेयर होते हैं अब यहाँ पर नेगेटिव है मतलब एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है इस तरह से तो इस तरह से हम लोन पेयर बना देते हैं ठीक है ये लोन पेयर आप बाद में भी लगा सकते हो अब यहाँ पर क्या होगा इधर से ये नेगेटिव है तो यहाँ से एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया ठीक है तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं तो यहाँ पर रिजल्टिंग क्या हुआ देखो ये वाली साइड तो हमने छेड़ी नहीं ये ओ नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पर सिंगल का डबल हो गया और ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर डबल का सिंगल हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया अब ये जो लोन पेयर है वो लास्ट में लगा देना सो दैट कन्फ्यूजन ना हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री पेयर ठीक है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है टू पेयर क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है अब नेक्स्ट आप कैसे कर सकते हो देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया यहां पर डबल बॉन्ड आ गया अब क्या कर सकते हैं ये नेगेटिव वाला जो है यहां से ये यहां पर चले जाएगा और साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिर से आपका कैसा बनेगा कार्बन ये सिंगल हो गया ओ पे नेगेटिव आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ठीक है और ये एज रहा है इस पर कुछ भी हमने नहीं करा फिर लास्ट में आपको लोन पेयर लगाने हैं ठीक है ठीके? लोन पेयर इजीली लग जाते हैं लास्ट में लगाने हैं तो इस तरह से हमने इसके थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दी अब आप देखो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक और स्ट्रक्चर बने बिल्कुल नहीं बनेगा अब देखो इन तीनों में अगर आप देखोगे तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है तीनों में डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है डबल बॉन्ड इसमें भी है डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है मतलब तीनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तीनों स्ट्रक्चर्स में तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कैसे बनेगा कुछ ये इस तरह से आपको दिखाई देगा ये तीनों ऑक्सीजन्स हैं ठीक है तीनों ऑक्सीजन्स हैं आपके पास साथ ही में इसमें क्या है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि जो पाए इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है वो इधर भी प्रेजेंट है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो इन तीनों का जो हाइब्रिड होगा वो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड इन तीनों का होगा वो, वो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा तो जो डेल्टा नेगेटिव है वो इस एटम पे भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है नेगेटिव चार्ज आ रहा है ठीक है तो इस तरह से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये अच्छे से कर लेना ये पेपर में आते हैं बनाने के लिए ठीक है एनओ थ्री नेगेटिव का कैसे बनाएगी पहले बेसिक बना लेते हैं नाइट्रोजन है वन टू एंड थ्री ठीक है one, three, और नाइट्रोजन पे क्या हो गया और यहाँ पर देखो दो नेगेटिव लगाने हैं तो दो नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पर दो नेगेटिव हो गए यहाँ पर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड कर लेता है इसके साथ अब ये वन टू थ्री फोर बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन जो है अगर वो न्यूट्रल है तो वो थ्री बॉन्ड्स बनाता है एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया मतलब इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज बाकी जो इसके लोन पेयर्स है जो इसके लोन पेयर्स है वो आप आराम से लगा सकते हो वो बाद में लगा दिया अगर उसकी कोई टेंशन नहीं है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर फ्लो करेगी ठीक है इधर फ्लो कर रही है तो इसको यहाँ से हटना होगा अगला बॉन्ड डिस्प्लेस हो जाएगा आगे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हो जाएंगे ना इसीलिए आगे हमने डिस्प्लेस कर दिया ठीक है अब जो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है वो कैसे बन गया जब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फाइनल जो आपके पास आया वो क्या आया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देते हैं देखो नाइट्रोजन का पॉजिटिव तो ऐज सच ही यहाँ पर रहा ये जो नेगेटिव है इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया ये नेगेटिव एज सच हमने रखा था इसका कोई भी हमने यहाँ पर नहीं करा है कुछ भी चीज़ नहीं करी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चले गया तो इसके लोन पर लगा देते हैं इस तरह से ठीक है इसके लोन पर इस तरह से हम लगा देते हैं वन टू और ये वाले टू हो गए ठीक है अब क्या करोगे आप यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया है अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है अब ये नेगेटिव से यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो जो थर्ड हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है ऑक्सीजन पे यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड ओ आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा लास्ट में आ गया और ये जो पॉजिटिव है ये वैसे ही रिटेन रह रहा है देखो ये हमने रेजोनेंस हाइब्रिड लास्ट में बनाया है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना चाहिए कैसे बनेगा नाइट्रोजन है ऑक्सीजन 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 है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहाँ कहाँ जा रही है नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे भी आ रहा है फिर इन दोनों पे भी आ रहा है फिर इन दोनों पे भी आ रहा है मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो हर जगह हर एक ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज हम तीनों पर लिख लेते हैं और क्या है जो पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर है वो सब जगह आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर है दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे ऑक्सीजन पे है तीसरे स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड है दैट मीन्स इसका जो आप बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा ठीक है तो इसमें भी बेंजीन की तरह क्या होगा दोनों में ही जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा कार्बोनेट आयन का या फिर एनओ थ्री नेगेटिव आयन का उसमें सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की देखो एक्सपेक्टेड क्या थी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दो तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेकिन ऐसा नहीं होता है एक एवरेज बॉन्ड लेंथ आती है इसके लिए भी सिंगल बॉन्ड लेंथ आएगी जो कि क्या होगी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करेगी क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से मिलकर के बन रहा है या फिर आप कह सकते हुँ?

तो बना लेते हैं सी एच टू सी एच सी एच ओ को खोल लेते हैं ज़रा ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है मतलब इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट है हमेशा ध्यान रखो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो दो लोन पेयर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ये वाला आगे आ जाएगा ये वाला ऊपर आ जाएगा ऐसे करने पर क्या हो गया सी एच टू ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे गई तो सी एच टू पर पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर जाके यहाँ पर सी एच बनाएगी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गई तो इस पर ओ नेगेटिव आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया ठीक है तो ये एक स्ट्रक्चर बना और दूसरा स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बन सकता था अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवर्स जाती पर रिवर्स वैसे जाती नहीं है लेकिन हमने सारी पॉसिबिलिटी करनी है तो ये इधर जाती और ये वाला इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता तो सी एच टू पर अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते तो इस इसमें नेगेटिव आता यहाँ पर सी एच है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आती कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन और ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जा रही है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट बनता तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता ठीक है तो ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं मार्क कर देते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर तो पूछा गया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तीनों बना चुके हैं और इनकी कंपेयर करनी है आपको स्टेबिलिटीज़ अब देखो स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करेंगे तीनों में से सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है ऑब्वियसली फर्स्ट वाला है क्यों है फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है, है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं है न्यूट्रल है कहीं पर भी आइटम में कोई चार्ज नहीं है तो स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि लेस चार्ज सेपरेशन अगर हो तो स्टेबल होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है हाँ सेकेंड एंड थर्ड में चार्ज सेपरेशन है अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा दोनों में ही चार्ज सेपरेशन है लेकिन अगर आप थर्ड स्ट्रक्चर में देखोगे तो ऑक्सीजन पे क्या है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है स्ट्रक्चर क्युं ठीक है अनस्टेबल क्यों है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या है वो ऐसा है जो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ठीक है लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन पहले ही डेफिशिएंट हो रहा है तो ये बहुत बुरी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हो इसी वजह से जो लीस्ट स्टेबल होता है वो होता है थर्ड स्ट्रक्चर क्योंकि इस पर आप रीजन दे सकते हो मोस्ट इलेक्ट्रोन नेगेटिव जो ऑक्सीजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है सो दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल तो ये इसका ऑर्डर हो गया लास्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल आपको बनाना है ठीक है तो रिंग में भी देख लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी ये आपके बहुत काम आने वाला है देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे पहले हम फिनोल बना लेते हैं फिनोल क्या होता है बेंजीन रिंग पे ओ लगा होता है वो फिनोल है ओ है तो दो बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पर दो लोन पेर हम लगा देते हैं ठीक है ठीके? अब इसमें कैसे करना है एक मिनट यहाँ पर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अब देखो यहाँ पर ये लोन पेयर है इसकी मूवमेंट यहाँ पर कर दी अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इसके जो एडजेसेंट है देखो जो ये सिस्टम होता है ना इनमें आगे आगे इलेक्ट्रॉन चलता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड लगा दोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ रही है तो कार्बन की तो जो वैलेंसी है जो इसके बॉन्ड्स है वो एक्सीड हो रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड आपको आगे ले जाना पड़ेगा तो ये टू स्टेप के चलते हैं दो एरो एक साथ चलते हैं ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे चले जाएगी अब क्या हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक लोन पेयर कम हो गया तो इस पर पॉजिटिव एक्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा था तो इनको एज सच रखेगी और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ रहा है फिर से क्या होगा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बॉन्ड में यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा ठीक है तो ये रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इस तरह से हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ हमने इसे तो छेड़ा नहीं इसे तो बिल्कुल भी हमने छेड़ा नहीं और इसे भी ऐसच रखेंगे ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाके बॉन्ड बना रही है और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ के नेगेटिव चार्ज बना रही है ठीक है नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे करेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई ये वाला बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे दिया इस कार्बन पे तो ये बन गया डबल बॉन्ड ओ एच सच ये वाला बॉन्ड सच यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे चलेगी ठीक है नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई यहाँ पर बॉन्ड बना दी और जो ये बॉन्ड है ना यहाँ पर ये जाके ऊपर ऑक्सीजन पे चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव है ना ऑक्सीजन तो लास्ट जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो क्या बन जाता है देखो ध्यान से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई तो बॉन्ड इधर बना दिया अब यहाँ पर डबल का सिंगल हो गया ऑक्सीजन पे दोबारा से एक लोन पेयर तो था पहले से ही एक की कमी थी एक तो था ही वैसे तो यहाँ पर दोनों लोन पेयर्स आ गए और इसका पॉजिटिव चार्ज भी हट गया तो फिर से हमने क्या किया फिर से ओएच को हमने रिटेन कर दिया ठीक है देखो चले चले और यहाँ पर फिनोल फिर से बन गया तो ये सारे क्या है इनको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल कभी आपको आ जाएगा कि ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर फिनोल या फिर कुछ और स्ट्रक्चर तो इस तरह से आपको बनाना होगा ठीक है तो यहाँ पर एक्चुअली क्या करते हैं दो दो आपको कर्ड एरो बनाने होते हैं दो स्टेप्स आप चलते हो ठीक है जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये वाला आगे शिफ्ट करोगे तो एट अ टाइम दो बार आप चलते हो ठीक है तो इस तरह से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं दीज आर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन में भी इससे क्वेश्चन आ ही जाता है कुछ ना कुछ ठीक है तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे ठीक है अब हम इफेक्ट की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में